Assalamu alaikum. The topic of our discussion is Takhtajan classification system or modern system, which is the lecture number 5. In this lecture, we study who is Takhtajan, characteristics of Takhtajan system of classification, texts are developed by Takhtajan, merit are advantages of Takhtajan system of classification, and demerit or disadvantages of Takhtajan classification system. Firstly, who is Takhtajan? तख्तजन कौन है आर्मिन लियोनविच तख्तजन एक सोवियत आमीनियन बॉटनिस्ट थे तख्ताजिन जिन बीसवीं सदी के एक इम्पॉर्टेंट फिगर के तौर पर गुजरे हैं प्लांट एवोल्यूशन सिस्टेमेटिक्स और बायोजियोग्राफी के लिहाज से तख्ते इंटरेस्टेड थे फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी में पैलियोबॉटनी में और फ्लोरा ऑफ कोकास के अंदर फ्लावरिंग प्लांट की मोरफोलोजी से मुराद फ्लावरिंग प्लांट की फिज़िकल अपेरेंस मीन साइज शेप वगैरह एंड पैलियोबॉटनी मीन प्री हिस्टोरिक की स्टडी विद द हेल्प ऑफ फोसल्स तख्ता जिन ने लेन ग्रेड के अंदर कोमा रिव बोटेकल इंस्टीट्यूट में काम किया उसने क्लासिफिकेशन स्कीम या सिस्टम डेवलप किया फ्लावरिंग प्लांट के लिए 1940 के अंदर इसकी ये जो क्लासिफिकेशन थी प्लांट के दरमियान फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पर फोकस करती थी इसके अलावा इसका ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो वेस्ट के बॉटनिस्ट को मालूम नहीं था 1950 के बाद तक भी लेकिन इन द लेट ऑफ 1950 1950 के आखिर में जब आर्मिन तख्ता जिन ने एक प्रोमिनेंट अमेरिकन बॉटनिस्ट आर्थर क्रॉनक्विस्ट के साथ कोलेबोरेशन में एसोसिएशन की और काम करना स्टार्ट किया तो उसके बाद वेस्ट के बॉटनिस्ट ने तख्ताजन को जाना स्टार्ट किया क्रॉनक्विस्ट ने अपना एक प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया और उसका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उस सिस्टम में तख्ता जिन और दूसरे बॉटनिस्ट जिन्होंने क्रॉन कोस्ट के साथ मिलकर काम किया था कुमार में उनका जो काम है वो नज़र आता था उसके सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में तख्ता जिन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्रॉन कोइ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जैसा ही है लेकिन जो क्रॉन कोइ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें हायर लेवल के ऊपर बहुत कम्प्लेक्सिटी पाई जाती है तख्ता जिन फेवर करता है स्मॉल ऑर्डर्स और फैमिलीज़ को इसके अलावा तख्ता जिन रशियन अकेडमी ऑफ साइंसिस के मेंबर थे इसके अलावा ये फारन एसोसिएट थे यू एस साइंसिस के नाइनटीन सेवेंटी वन में और एकेडमी ऑफ साइंस ऑफ आमीनियन एस एस आर में एक्डेमिशियन के तौर पर भी रहे हैं इसके अलावा ये प्रेजिडेंट हैं प्रेजिडेंट रहे हैं सोवियत यूनियन बोटेनिकल सोसाइटी के 1973 के अंदर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्लांट टेक्सोनमी के प्रेसिडेंट रहे हैं 1975 के अंदर इस तख्तर जी ने फ्लावरिंग प्लांट और बॉटनिक पेपर पर बहुत काम किया है इसके लिहाज से इसने बहुत सी बुक्स लिखी हैं उन बुक्स के बुक्स का बुक के एजा ऑथर के तौर पर रहे हैं इसने अपना हायर प्लांट्स के लिए एक सिस्टम डेवलप किया है तख्तर जिन की एज की बात करें तो ये मोर देन हंड्रेड ईयर तक तख्तर जिन जो है वो लाइव रहे यानी मतलब उनकी इतनी लंबी उम्र थी तख्तर जिन ने एक लाफी काफ़ी लंबा लाइफ स्पेन गुजारा है उसने तख्तर जिन का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो यूनिक है अपने कैरेक्टरिस्टिक के लिहाज से उसमें यह है कि कहा जाता है कि तख्तर जिन ने मोर देन एटी ईयर्स अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम पर काम किया है तख्ता जिन पर बहुत सारे जो हैं वो क्रिटिक्स थे तनकीद नगार थे जो उसके ऊपर तनकीद करते थे जिसमें से एक पीटर स्टीवन था पीटर स्टीवन ने तख्ता जिन के जो हाइपोथिस है उसको टेस्ट किया डीएनए एनालिसिस के ज़रिए आफ्टर द टेस्टिंग उसने पा जिन के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को परफेक्ट पाया तख्ता जिन की बुक्स की तरफ आते हैं तो तख्ता जिन ने डिफरेंट काइंड की बुक्स लिखी हैं फर्स्ट दी फ्लोरा ऑफ अमीनिया सेकेंड फोसल्स ऑफ फ्लावरिंग प्लान्ट यू एस एस आर थर्ड डाइवर्सटी एंड क्लासीफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लान्ट जिसमें सब फैमिलीज और ट्राइब्स पर बात की गई है यहाँ पर मैं बताती चलूँ ट्राइब्स जो है ये क्लासीफिकेशन का कौन सा लेवल है ट्राइब्स क्लासीफिकेशन का जो लेवल है वो अबव द जीनस हैं एंड बिलो द फैमिली एंड सब फैमिली फोर्थ बुक जो तख्ता जन ने लिखी फ्लोरेस्टिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड जिसमें तख्ता जिन ने एंडेमिक फैमिलीज़ और जेनरब के ऊपर बात की एंडेमिक फैमिलीज़ मीन नेटिव फैमिलीज़ मकामी फैमिलीज़ को कहते हैं फिर आते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ तख्ता जन क्लासिफिकेशन सिस्टम करेक्टरिस्टिक्स की तरफ आएं तो इसका जो सिस्टम है वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर बेस करता है सेकेंडली ये है कि तख्ता जिन ने एन के ऑर्डर्स की फाइलोजेनी की इनिशियल डायग्राम पब्लिश की फर्स्टली थर्ड ये है कि तख्ता जिन ने मोनोकोर्स और डाई कोर्स को सब क्लासेस में डिवाइड किया जो कि एन क्लासिफिकेशन में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मोनोकोर्स और डाई कोर्स में क्या फ़र्क है मोनोकोर्स वो होते हैं जिनमें एक कॉटिलीडन होता है और डाई कोर्स वो होते हैं जिनमें दो कॉटिलीडन होते हैं फर्दर डिफरेंस देखें तो मोनोकोर्स वो होते हैं जिनमें थिन लीव्स होते हैं पैरल वीन्स होती हैं पेटल्स इन मल्टीपल ऑफ थ्री होती हैं डाईकोर्स की तरफ आए तो ब्रॉड लीव्स होते हैं ब्रांच्ड वीन्स होती हैं पेटल्स इन मल्टीपल ऑफ फोर आर फाइव फिर आते हैं हम नेक्स्ट करेक्टर की तरफ ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये सिंथेटिक है और ये बेस करता है रीसेंट स्टडीज़ के ऊपर मीन एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर साइटोलॉजी के ऊपर जेनेटिक्स के ऊपर कंपैरेटिव एनाटॉमी फाइटोकेमिस्ट्री मालिकुलर डाटा और क्लाटिस्टिक एनालिसिस पर बेस करता है ये जो सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन है ये इन्फ्लुनशुल है बासर है अपना असर रखता है और इसको यूज़ किया है मॉन्टेरियल बोटेनिकल गार्डन कैनेडा के अंदर ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये थ्रू आउट द वर्ल्ड रिकगनाइज सिस्टम है अब आते हैं हम टेक्सा डिवेल्प बाय तख्ताजन तख्ताजन ने फ्लावरिंग प्लांट को डिफाइन किया है एज अ डिवीजन के तौर पर और डिवीजन को उसने नाम दिया है मैग्नोलियोफाइटा का मैग्नोलियोफाइटा को फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है फर्स्ट क्लास इज मैग्नोलियो ऑफिडा डायकोड जिसको कहते हैं एंड सेकेंड इज लिलियो जिसको मोनोवोर्ट्स कहते हैं मैगनोलीऑफसीडा डाइकोट्स कोट्स फर्दर सब डिवाइडेड होते हैं इनटू एट सब क्लासेस में एट सब क्लासेस डिवाइड होती हैं 126 ऑर्डर्स में और 126 ऑर्डर डिवाइड होते हैं 440 फोर्टी फैमिलीज में फोर फैमिलीज डिवाइड होती हैं ऑलमोस्ट 10,500 थाउजेंड फाइव में एंड दीज़ जेनरा डिवाइड होते हैं अबाउट वन लैक नाइन्टी फाइव थाउजेंड सीबीसी में दूसरी क्लास की तरफ आते हैं लिलियोब सीडा विच इज़ कॉल्ड मोनो फर्दर सब डिवाइडेड होती है इनटू फोर सब क्लासेस में वो जो फोर सब क्लासेस हैं ये थर्टी वन ऑर्डर से मिलकर बनी हैं और थर्टी वन ऑर्डर एक सौ बीस फैमिलीज से मिलकर बनी हैं वन ट्वेंटी फैमिलीज मोर देन थ्री थाउजेंड जनरा से मिलकर बने हैं और थ्री थाउजेंड जनरा अबाउट सिक्सटी फाइव थाउजेंड सी से मिलकर बने हैं ये थे टैक्सा जो कि डेवलप किए थे तख्ताजन ने अब आते हैं मेरिट्स आर एडवांटेजेस ऑफ तख्ता जन सिस्टम की तरफ मेरिट्स में सबसे पहले यह है कि ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये बेस करता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के ऊपर दूसरा यह है कि इसमें फैमिलीज़ को स्मॉल होमोजीनियस यूनिट कहा गया थर्ड यह है कि सब क्लासेस जो हैं वो एक सिंगल करेक्टर पर बेस नहीं करती इस सिस्टम में बल्कि वो बेस करती हैं तमाम अवेलेबल इंफॉर्मेशन के फोर्थ यह है कि इस सिस्टम के मुताबिक एनजियो स्पर्म मोनोफाइलेटिक हैं मोनोफाइलेटिक का मतलब इनका एक सिंगल कॉमन इंसिस्टर है ठीक है और मोनोकोर्स ओरिजिनेट हुए हैं डाइकोट से फोर्थ एंड फिफ्थ एंजियोस्पर्म को ट्रीट किया गया है एज अ डिवीजन के तौर पर जिसको हम कहते हैं मैग्नोलियोफाइटा सिक्स एंड लास्ट जो मेरिट है वो ये है कि सब क्लास मैग्नोलेडी ये मोस्ट बेसिक ग्रुप है अदर सब क्लासेस की निष्पता अब आते हैं लास्ट डी मेरिट और डिसएडवाटेज ऑफ तख्ताजन सिस्टम तख्ताजन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के डी मेरिट को देखें तो फर्स्टली ये है कि ये सिस्टम फाइलोजेनेटिक तो है लेकिन ये क्लासिफिकेशन जब हम फैमिली लेवल तक करें तो उसमें ये हेल्पफुल साबित नहीं होता सेकेंडली ये है कि ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये टैक्सा को डिफाइन करने के लिए क्राइटेरिया जो है वो ब्रॉड प्रोवाइड नहीं करता नैरो क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है थर्डली ये है कि इस सिस्टम के मुताबिक मोनोकोट्स को मेन एंसेस्टर निम्फियल से डराइव किया गया जो कि एक गलत बात है ये एक मेन ड्राबैक था इस सिस्टम का मोनोकोट्स को इस सिस्टम में डाईकोड्स के बाद रखा गया है जबकि रिसेंट जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो ये कहता है कि जो मोनोकोड्स हैं वो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म और यू कोड्स के दरमियान आते हैं ठीक है मतलब पहले प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म, फिर मोनोकोड्स एंड देन यू कोड्स आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा